नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं नंदिनी प्रिया। दिल्ली समेत कई शहरों में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बिहार में भी समुचित इलाज के इंतजाम में जुटी स्वास्थ्य विभाग। मुख्यमंत्री ने सभी जिला के डीएम और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने और अस्पताल में बेहतर इंतजाम रखने का दिया निर्देश। बिहार में भीषण गर्मी को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान, गर्मी से नहीं मिली राहत तो जल्द होंगे स्कूल बंद, बच्चों की पढ़ाई जरूरी लेकिन स्वास्थ्य सबसे ऊपर। दो दिवसीय दौरे पर 23 अप्रैल को बिहार आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पटना से लेकर जगदीशपुर तक स्वागत में लगे बैनर पोस्टर। पटना में सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम, सीएम नीतीश करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन, साथ ही सिविल सेवकों को मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित। पटना में जेडीयू कार्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन, शीला मंडल और मदन सहनी सुने जनता की फरियाद, मंत्री विजेंद्र यादव भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। गोपालगंज में जेल में बंद महिला कैदी की हुई मौत, परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप, मृतक महिला जादोपुर थाना क्षेत्र के बाबू बिशनपुर गांव निवासी उमा देवी थी। दरभंगा में सिलेंडर ब्लास्ट होने से दो बच्चों की हुई दर्दनाक मौत, खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा, वही हादसे में 10 घर जलकर हुआ खाक, कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव की घटना। मोतिहारी में जागरूकता के अभाव में स्वास्थ्य मेला में नहीं पहुंचे कोई भी मरीज, तो विधायक ने उद्घाटन का फीता काटने से कर दिया मना, मामला मोतिहारी के अस्सीदी में आयोजित स्वास्थ्य मेला का है। बक्सर में यूपीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई, बक्सर के दो आर्म्स स्मगलर को किया गिरफ्तार, दोनों स्मगलर से बक्सर पुलिस का रही पूछताछ। पटना पुलिस महकमा में बड़े पैमाने पर फेरबदल, कांस्टेबल से लेकर एसएचओ तक का हुआ तबादला, एसएसपी के आदेश पुलिस कर्मियों का हुआ तबादला। बेगूसराय में इलाज के दौरान चौकीदार की हुई मौत, बाइक की ठोकर से घायल हुआ था चौकीदार, भगवानपुर थाना में कार्यरत है मृतक चौकीदार। सिवान में नगर परिषद के पूर्व प्रधान सहायक हुआ गिरफ्तार, किशन लाल पर करोड़ों की जमीन घोटाले का है आरोप, मामले में टाउन थाने की पुलिस ने की कार्रवाई। मुंगेर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक की मौत, वही दो घायल, दोनों घायल इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती, रापुर उर्दू चौक के पास की घटना। कटिहार में दो बाइक के बीच भीषण टक्कर, हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को पीएससी कराया गया भर्ती, कोड़ा थाना के चरकी सेमापुर मार्ग की घटना। शेखपुरा में निर्माण कार्य को लेकर भिड़े दो गुट, झड़प में 6 लोग हुए जख्मी, शेखपुरा के करेड़े क्षेत्र की वारदात। नालंदा में हरनौत पीएससी का दवा भंडार में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, आगजनी में काफी नुकसान का है अनुमान। पटना में गड्ढे में गिरने से 2 साल के मासूम की हुई दर्दनाक मौत, नाराज परिजनों ने सड़क पर उतर कर किया हंगामा, पटना सिटी के मिर्चाई घाट का हादसा। मुंगेर में एक मुखिया पर युवक को गोली मारने का है आरोप, चुनाव में वोट नहीं देने को लेकर गुस्से में था मुखिया, गौरी गांव में रॉकी कुमार को मारी गोली। बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने किया नीमा चांदपुर थाने का औचक निरीक्षण, मालखाना रजिस्टर में गड़बड़ी पाए जाने पर मालखाना प्रभारी विशनभर सिंह को किया निलंबित, वही थाना प्रभारी से की स्पष्टीकरण की मांग। अभी के लिए बस इतना ही, एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डीएन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपने सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़। सच की आवाज़, नमस्कार।